बहुओं के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। निकाल निकाल उसको, निकाल अपनी बहू को, बाहर निकाल। हैप्पी न्यू ईयर। ओए बाप रे, इसने तो हार्ट अटैक ही दिला दिया था मुझे। रियली? रे, हमारी जान लेके कौन सा हैप्पी न्यू ईयर मनाएगी तू? अरे मम्मी जी, आज साल का पहला दिन है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये लो, चलिए ना पार्टी करते। जिसके तुझ जैसी बहू हो वो क्या पार्टी शार्टी करे और क्या गाना शाना गाए। हाँ। और नहीं तो क्या है? इन दोनों से झगड़ना तो बेकार है, प्यार से बात करती हूँ। मम्मी जी, आज 1 तारीख है, आज के दिन भी टीवी देखेंगे, चलिए ना बाहर चल के कहीं पार्टी करते हैं। क्या? अरे वाह भाभी, मैं रेडी हूँ। हाँ चंदू, मैं भी अभी रेडी होकर आता हूँ, क्योंकि फ्री का खाना खाने के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। चंदू भाभी, अबे अबे तारा, तेरी बहू तो बड़ी वो है, जुड़े नहीं हुई, बड़ा हुक्म चलाती है, अब जो वो कहेगी वही होगा क्या इस घर में? मेरी मेड ना होती ना तो ऐसा ना करती वो। वो तो है, तो ठीक है बहू, पार्टी बाहर नहीं कार में होगी, ये मेरा हुक्म है। पर मम्मी जी, घर में तो बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी ना। अब वो मैं नहीं जानती भाई, पार्टी तो कार में ही होगी। कह दिया सो कह दिया, चल भाई सरिता। चलो जी चलो। हाँ नहीं तो रहो, रिलैक्स, बाहर में क्या ढंग से बात करना, मैं हार नहीं मानूंगी। हाँ चंदू, मैं तैयार हो गया। चंदू यार प्लीज देर मत करो, हम लोग अभी से पार्टी के लिए जाएंगे। नंदू जाके कपड़े उतार दो। चंदू बाहर बिना कपड़ों के जाएंगे तो वल्गर नहीं लगेंगे? अरे मैं कह रही हूँ जाके सूट बूट उतार दो, अब कोई फायदा नहीं है। अरे फायदा कैसे नहीं है चंदू, बाहर कितनी ठंड है, अगर ये कोट नहीं पहनूंगा ना तो ठंड के मारे मेरी बॉडी अकड़ जाएगी। अगर तुमने अभी नहीं उतारे ना तो तुम ऐसे ही अकड़ जाओगे, और ठंड से नहीं चोट से, समझे? अरे चंदू पर इतना भड़क क्यों रही हो यार? क्योंकि हम बाहर नहीं जा रहे हैं। है? क्यों नहीं जा रहे हैं? तो फिर पार्टी का क्या होगा? ओए पार्टी हम घर में ही मनाएंगे, है ना भाई? मम्मी जी, पर ये हादसा कब हुआ? पुत्र ये हादसा नहीं है, हम लोगों ने फेस पैक लगाए हुए हैं, है ना भाई? भयानक लगने के लिए इसकी क्या जरूरत थी, आप लोग तो वैसे ही भयानक लगते हैं। No, no, no. क्या बोली तू? कुछ नहीं। पप्पू पुत्तर अंदर आ जा। क्या? और मम्मी जी, आपने पप्पू को इस तरह से क्यों सजाया हुआ है? ये कोई सजाने वाली चीज है? मैंने तो इसे सजाने के लिए यहाँ बुलाया है। पर क्यों? क्योंकि पुत्र पार्टी हम कार में ही मनाएंगे, बाहर शहर नहीं जाएंगे। ओए नो 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 नो। ओए पप्पू तू खड़ा क्यों है? चल जल्दी कार, अभी पूरे के पूरे कार को भी सजाना है। और बहू तू, तू ना 15-20 टाइप की अच्छे अच्छे डिशेस बना ले, भी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे अभी मेहंदी भी लगवानी है। ये लो। ओ तारा तू क्या करती है यारा? ओ चंदू, तू है ना खाना शाना बना के जरा ऊपर आ जाना, मेरे बालों में ना थोड़ी मेहंदी लगा देना, बड़े रूखे सूखे हो गए हैं मेरे बाल। ओ रब दी सो, बाल तो मेरे मेघना के बड़े वो हैं, हाय हाय, उसे ना तेल की जरूरत पड़ती है, ना शैम्पू की जरूरत पड़ती है, ना किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। सॉरी सरिता आंटी, ये सुनकर बहुत बुरा लगा कि आपकी मेघना टकली है। हाय पापा जी। ओए किसने कहा तुझे कि वो टकली है? वो कोई टकली शकली नहीं है वो। अरे आपने तो कहा कि आपकी बेटी के बालों में कभी शैम्पू और कंडीशनर या मेहंदी की जरूरत नहीं पड़ती, अब जब बाल होंगे ही नहीं तो जरूरत पड़ेगी कैसे? ओ उसके बाल ना बड़े काले घने और मजबूत हैं, इसीलिए तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा चंदू आ जाना ऊपर, है खाना बना के जरूर आना तू ऊपर। लो जी, कहने की क्या जरूरत है, वो जरूर आएगी, आपको मेहंदी लगानी है, इसको काम ही किया है, थोड़ी डिशेज ही तो बनानी है। चल चल मेरी ना मेकअप में थोड़ी हेल्प कर दे, आज पार्टी है ना पार्टी। चलो अरे चंदू, मैं 12 साल से तुम्हारे हाथ का मार खा रहा हूँ और तुम्हारा जला हुआ खाना खा रहा हूँ,
मैं क्या, मेरे फरिश्ते भी हिम्मत नहीं कर सकते तुम्हें ताना मारने की। सॉरी, मैंने गलती से तुम्हें सरिता आंटी समझ लिया था। क्या? अरे चंदू, पर वो तो औरत है और मैं मर्द हूँ, तो मैं सरिता आंटी कैसे हो सकता हूँ? हो सकता हूँ, तो चलो ना, तुम्हें समझ लिया तो समझ लिया, आखिर गलती तो इंसानों से ही होती है ना। ये मम्मी जी का कुछ तो प्लान है। अरे क्या चंदू, हूँ ना मैं हूँ मम्मी जी का प्लान, पप्पू सरप्राइज था। अरे यार, मम्मी जी मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रही है। पर बाबू जी तो इतने साल पहले इस वर्ष चले गए, तो मम्मी जी तीसरा कैसे प्लान कर सकती है? ओहो, मैं कह रही हूँ मम्मी जी और सरिता आंटी मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश प्लान कर रहे हैं। हाँ। नंदू, तुम किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को जानते हो जो ये पता लगा सके कि आखिर मम्मी जी और सरिता आंटी के दिमाग में चल क्या रहा है? जानता हूँ मैं चंदू, जानता हूँ। ये क्या, इनके बालों में तो सिर्फ जुए और डैंड्रफ ही नजर आ रही है। ओए, ये कौन बोला? अभी तो तू बोली। ओ नहीं, ओए, मेरे से पहले भी कोई बोला। ए सरिता, तेरे ना कान बज रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। अच्छा छोड़ ना, तारा अपनी बहू को बोल के जरा चाय शाय तो मंगवा दे, रब दी सौ, बड़ा ही आलस आ रहा है मेनू। हाँ हाँ, अभी ले। ए बहू, जरा सौंफ लाची वाली चाय बना के ला। लाई मम्मी जी। एक और बार ट्राई करता हूँ। सरिता आंटी चाय लीजिए। ओए होए, सत्यानाश, ओ कैसी है तेरी बहू तारा, चाय गिरा दिया सारा। आए हाय, तू मुझे मार देना चाहती है रब दी सौ। बहू नलायक, ये क्या किया तूने? मम्मी जी, नंदू ने डरा दिया। बेटे मु तेरे, हाय रब्बा, मेरा पुत्र इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतना मासूम है, भला वो किसी को कैसे डराएगा? क्या बात है, मोहल्ले वालों से पूछो कितना डर लगता है, जैसे ही आता है सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं कि अब पकाएगा। ए बहू, चुप हो जा तू, मैं कह रही हूँ। हाय रब दी सो, चाय तो मेरी मेघना बनाती है, इतना संभाल के ले आती, वो कभी गिराती नहीं, सर्वगुण संपन्न है मेरी मेघना। रियली? सरिता बहन, तू जाके कपड़े बदल ले, बहू धो देगी। कपड़े तो ना मेरी मेघना धोती है, वो है। उससे बाद में धुलवा लेना, पहले इससे धुलवा ले। बहू सुन, मल मल के धोना, समझी? मेरे तीन चार और भी गंदे वाले हैं, उनको भी वो कर देना, फाड़ देना। ओ नहीं, ओए धो देना उनको। पापा जी, नंदू कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे नहीं नहीं चंदू, तुम गलत समझ रही हो, मैं बाहर बाथरूम करने नहीं जा रहा हूँ। तुम मुझे यहाँ फंसा कर कहीं नहीं जा सकते। पर चंदू, मैंने तो तुम्हें 12 साल पहले ही फंसा लिया था, तो अब पुरानी बातों का ताना मार के क्या फायदा है? तुम चुप करो, तुम्हारी वजह से चाय सरिता आंटी पर गिरी और अब मुझे उनका काम करना पड़ रहा है। अच्छा वो फंसाना, मैंने सोचा तुम वो वाले फंसाने की बात कर रही हो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अब मुझे नहीं तुम्हें उनके कपड़े साफ करने। हाँ। अरे पर वो तो तुम्हारा जासूसी का काम करते करते हो गया था। वो काम हुआ नहीं ना, तो अब ये तुम साफ करो, समझे? अरे चंदू, ये गलत बात है यार। यार चंदू मुझसे कितना काम करवाती है, थोड़ी भी दया नहीं आती उसे। भोलू पुत्र, ओए भोलू, भोलू पुत्र, ये क्या है? मम्मी जी, ये झाग है, ये साड़ी है, ये साबुन है और ये मैं हूँ। मैं कह रही हूँ, ये क्या शक्ल बना रखी तूने? नहीं नहीं, ये शक्ल मैंने नहीं बनाई मम्मी जी, ये ना अपने आप ही बन गई। ओए तारा मेरी यारा, कहाँ है तू भाई, मैंने सारे घर में ढूंढ लिया तुझे। ये क्या है? ए सरिता, ये मेरा बड़ा बेटा है भोलू, पर मुंह में झाग लगी है ना, इसलिए ठीक से पहचान नहीं पा रही तू। पुत्र, तू मेरे कपड़े क्यों धो रहा है? अरे क्या करूं आंटी जी, चंदू ने कहा है और वो भी धमकी देकर, करना तो पड़ेगा ना। अरे मेरी मेघना होती ना तो ऐसा कभी ना करती, रब झूठ ना बुलवाए।
चंदू के अत्याचार ना कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। मैं उससे बात करूंगी। ये तो बाबा जी शुक्र हो गया कि मैंने पप्पू की शादी तानिया से नहीं करवाई, वरना मेरी बहू और तानिया की नेचर एक ही जैसी है। पर शादी हो जाए तो भी क्या है, डिवोर्स तो हो ही जाता है आजकल। आहो, डिवोर्स कराने में क्या मुश्किल है, बड़ी आसानी से हो जाता है। सही कहा तूने। ए चल मैं तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ टूटी फरूटी। चल चल, चल। आजा, आजा। कहीं मम्मी जी नंदू की दूसरी शादी के बारे में तो बात नहीं कर रही थी, वो भी मुझसे डिवोर्स करवा के। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होंठ जो खिले दिल खिला दिल खिला। तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, वो तेरे होंठ जो खिले। नहीं नहीं, हो सकता है कोई दूसरी बातें कर रहे हो, मुझे नंदू से एक बार पूछ लेना चाहिए मेरे और नंदू के डिवोर्स के बारे में। उफ ये नादानिया, नादानिया, उफ ये नादानिया।